महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार ने पुलिस बल पर काम के तनाव को कम करने के लिए पुलिस सिपाही वर्ग में 10,000 पदों की भर्ती करने का फैसला किया है। इस फैसले से कोरोना जैसे संकट के समय शहरी और ग्रामीण युवकों को रोजगार का अवसर मिलेगा। यह जानकारी महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने दी है। मंगलवार को उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की अध्यक्षता में मंत्रालय में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में नागपुर के राज्य राखी पुलिस बल के महिला बटालियन की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है। इस बटालियन के लिए 1384 पद निर्मित किए जाएंगे और प्रत्येक चरण में 461 ऐसे तीन चरणों में ये पद भरे जाएंगे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे शहरी और ग्रामीण लड़कियों को पुलिस सेवा का अवसर भी मिलेगा। प्रकार महाराष्ट्र की पहली महिला बटालियन नागपुर जिले के काटोल मतदार संघ में खोलने का भी निर्णय हुआ है। इस महिला बटालियन में करीबन 1400 युवतियों को प्रशिक्षित किया जाएगा और उसके लिए करीबन 100 एकड़ जमीन की जरूरत गिरने वाली है। माननीय महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार इनके अध्यक्षता में आज जो बैठक हुई उसमें महाराष्ट्र में 10,000 पुलिस की भर्ती की जाएगी इस प्रकार का निर्णय हुआ है। महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति अच्छी रहना चाहिए, इस हिसाब से ये निर्णय लिया गया है। इस 10,000 की पुलिस भर्ती में हमारे ग्रामीण के बच्चे और उसी प्रकार शहर के बच्चे इनको पुलिस में भर्ती होने का अच्छा मौका मिला है और इसका फायदा हमारे ग्रामीण और शहर के बच्चों ने आगे जाके लेना चाहिए। इस निर्णय को हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय उद्धव जी ठाकरे इन्होंने भी इस निर्णय को मान्यता दी है।